गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग धीरे धीरे अपने पड़ाव में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जैसे भी कि हमारे बहुत सारे बच्चे देख ही रहे हैं कि हम लोग लगभग अपने दूसरे चैप्टर के फाइनल टर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक कॉपी नहीं बनाए या जिनका एडमिशन अभी हुआ है तो जहाँ से जुड़े हैं वहाँ से तो करिए ही करिए, लेकिन इसके पहले आप पुराने नोट्स को भी कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपको जैसा पता ही है समय हम लोग के पास बहुत कम बच रहा है। आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। देख ही रहे हो बेटा कि कभी कभी नेट बहुत स्लो चल रहा है, कभी कभी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आई और अगर हम लोग जल्दी जल्दी नहीं पढ़ें तो फिर क्या होगा। हमें पता है कि बहुत बच्चों को समस्या हो रही थी कि सर आप जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बता रहे थे तो उसमें 1, 2, 3, 4 वाला नहीं सुनाया है कि नहीं। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उस स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने 5 टर्म को डिस्कस किया और जैसा कि हम अपने ग्रुप की जानकारी से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ आई कि सर लाइमन है तो कौन सी सीरीज होगी। तो याद रखिएगा पहली सीरीज होगी। बामर है कौन सी तो दूसरी है। उसके बाद पास्कन है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद फुंड है। इसके बारे में जानकारी हम लोग को जब हम लोग अपने पुराने नोट्स या जो भी आपके पास मौजूद है आप वहां से ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं और आज की क्लास हम लोग बहुत अच्छे से कर सकें। जैसा कि कल एक कमेंट्स भी आया था कि सर आज आपने होमवर्क नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी एक ब्रेक बनता है, जैसे आप लोग ब्रेक के आदि हो, इस वजह से छोड़ दिए थे, आपको नहीं दिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जल्दी से क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग की लास्ट टॉपिक मुझे बताइए कि लास्ट टॉपिक हमने क्या बताया था, कि लास्ट टॉपिक क्या था। ओके ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी लोग तो दिख ही नहीं रहे, मेरे रोज के रेगुलर बच्चे। जल्दी जल्दी फास्ट, कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो तुरंत बताइएगा बच्चा, उस क्वेश्चन को देखा जाएगा। बिल्कुल जैसा कि जानकारी दी गई है आप ऐप से भी देखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे, ओके फास्ट। हाँ बेटा समझ में आ रहा है, बहुत लोग को समस्या हो रही है, कुछ लोग खोज रहे हैं, जल्दी से अपना सर्च करिए, देखिए आ गया होगा। ओके फास्ट फास्ट, जल्दी से आप जुड़ जाइए तो फिर हम आगे की बात चलें। बिल्कुल स्वीटी, लिंक भेजा जा रहा है आपको, लिंक जल्दी ही भेज देंगे। सत्यम वर्मा जी आप भी जुड़ जाइए जल्दी से, देखिए YouTube पे हो चुका है, बस आप ही लोग का वेट कर रहे, जितनी जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम क्लास से स्टार्ट करेंगे आज। आ गए बेटा सब, सब आ गए हैं, बिल्कुल घबराई नहीं, थंबल थोड़ा मिसमैच हो गया है, 11 CBSE का है, लेकिन आप ही लोग की क्लास है। ओके राजेश वेरी गुड।
हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे राजेश, कल के दो तीन क्वेश्चन हुए थे, मेरे ख्याल से उसमें कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने डी ब्रोगली समीकरण पढ़ा, उसमें भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी डिले हो गई थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे हाइजेनबर्ग से, जिसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता था, आज उसी को स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल राजेश, आपका बात सही है, आ जाओ सभी कोई। ओके, आज की हम लोग की टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कल कोई होमवर्क नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप में ही क्या किया, सेंड कर दिया था ग्रुप से ही। तो जल्दी से आप क्या करिए, जुड़ जाइए, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपनी फाइनल टॉपिक पे चलेंगे। आखिर हम लोग की फाइनल टॉपिक क्या है? ओके, बराबर, सब आ गए? चलिए, वेरी गुड। सर कुछ टॉपिक छूट गया है राजेश, क्या छूटा है एक बार बताओ। आपको जानकारी होनी चाहिए राजेश कि 30% सिलेबस आपने रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से श्रोणी तरंग की तरंगे निकाल दी गई हैं, स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, बोर का कुछ मॉडल निकाल दिया गया है। आप क्या करिए, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके वहां से चेक करिए कौन कौन सी टॉपिक को हटा दिया गया। ओके राजेश, उस टॉपिक को जरूर देखिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप हमें बताइए, हम उसको जरूर बताएंगे। ओके राजेश, जल्दी से कमेंट करिए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लग रही छूट गई है, मुझे बताइए, हम उसको फिर से बताते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, तो जल्दी से कॉपी निकालिए। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के लिए आप लोगों ने स्टडी किया था त्रुटि, तो यहां त्रुटि से संबंधित टॉपिक है। देखिए क्या कहा गया, हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के कारण इसकी स्थिति तथा संवेग का साथ साथ यर्थात मान का निर्धारण, ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के कारण इसकी स्थिति तथा संवेग का साथ साथ यर्थात निर्धारण करना संभव नहीं है। अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे है, जिसमें डेल्टा एक्स को हमने क्या दिखाया है, स्थिति में निर्धारण त्रुटि में। अभी हमारे साथी मित्र योगेश सर ने आपको त्रुटि के बारे में बहुत अच्छे समझाया होगा, तो उस टॉपिक को वहां से भी देख सकेंगे, ये केमिस्ट्री की टॉपिक है, यहां से भी देख लीजिएगा। जब बात करेंगे एमवी की, तो इस बात को हम लोग समझते हैं, ये संवेग को दिखाता है, तो संवेग निर्धारण में जब अनिश्चितता होती है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। डेल्टा वी की बात करेंगे, तो अगर सिर्फ वी होता तो वो वेग होता, डेल्टा का मतलब उसमें कमी आई तो हमने वेग निर्धारण की त्रुटि रख दिया। अगर बात करेंगे अर्थात की, तो यदि एक कण का मापन यर्थात किया जाता है तो दूसरे के मापन में त्रुटि अधिकतम इनफाइनाइट हो सकती है। अब आपको एक बात बता दे कि अभी पिछले साल ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किन के लिए है, तो बस याद रख लीजिएगा कि यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही है, बस यही टॉपिक पूछा हुआ था। ओके राजेश सर, जो निकल गया है आप उसे भी पढ़ाइए प्लीज सर। बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल मत घबराओ, जब चीजें हमारी ऑफलाइन हो जाएगी तो उसमें हम और अच्छे से या ब्रीफली करोगे तो बता देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बेटा समय थोड़ा कम मिलता है, उसके बाद सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखो एक चैप्टर को, मतलब एक टॉपिक को लेकर आज करीब 7 या 8 लेक्चर हो गए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप सोचो बेटा आपके पार्ट वन में कितनी टॉपिक है, पार्ट टू में कितनी टॉपिक है, तो कोशिश करिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम तो पढ़ेंगे, लेकिन जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते रिविजन के लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ये जो बोर्ड पर इसको लिखिए तुरंत। राजेश, द्वैत प्रकृति क्या है? बेटा द्वैत प्रकृति मतलब दोहरा व्यवहार, द्वैत का मतलब दोहरा व्यवहार, जो उसकी रचना को हटा दे। ओके, वेरी गुड।
इसको लिख लें राजेश, ये भी पूछने वाली बात है। बिल्कुल लिखिए, राइट सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राजेश, जल्दी करिए बेटा, बिल्कुल लकी, हम साइड हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग किया यही कीजिए कि अगर हम साथ साथ चल रहे हैं तो आप भी साथ साथ चला करिए, और अगर हम साथ नहीं चल रहे हैं तो क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसको फिर लिख कर फिर ग्रुप में होमवर्क की तरह चेक करवा लिया करिए, जो प्रॉब्लम होगी हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके साक्षी, देखो ये तो बात तुम्हारी ठीक है, 21 से ऑफलाइन होने वाली है, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेबल भी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल स्वीटी, हम यही हैं, वासाबाग में ही हैं, ठीक। आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, मतलब दोहरे व्यवहार के कारण इसकी स्थिति और संवेग का साथ साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है। अभी इसके पहले की कुछ टॉपिक जैसे बोर के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने यही देखा कि संवेग कोणीय संवेग से घूम रहा है अपने कक्षकों में, उपकोषों में, और उनमें जब फॉर्मेशन हो रही है निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है। जब हम बात करेंगे स्थिति की, तो स्थिति को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, ओके। तो यहां पे डेल्टा एक्स दिखाने का मतलब उसकी स्थिति में आई हुई कमी, और हम सभी को बहुत अच्छे जानते हैं कि डेल्टा का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब बढ़ी हुई मात्रा, वृद्धि मात्रा माइनस घटी हुई मात्रा। यहां तक किसी को कोई समस्या है? इसको याद करिएगा, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, अभी पिछले साल पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए है। अब सूक्ष्म कण की बात आएगी तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, कुछ याद आया कि सब भूल गए? ओके यहां तक देखिए, इसमें कोई है इस टॉपिक, देखिए बेटा इक्वल टू ग्रेटर देन है ये, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एन अपॉन 4 पाई, इधर आएंगे तो इसको ये भी है, दिख ही रहा होगा 4 पाई एम, जहां पे डेल्टा पी को हम एम इंटू डेल्टा भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है संवेग निर्धारण में अनिश्चितता। अगर भी की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं वेग निर्धारण में त्रुटि, कि जब किसी कक्षा में कोई सूक्ष्मकण एक निश्चित रूप से गति करता है तो उसकी अवस्था में आई हुई गति। चलिए बहुत अच्छा लगा स्वीटी और लकी, यस सर, बाकी लोग क्लियर है तो आगे चले, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है जिसका नाम सुन के आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, ठीक है, डन। नहीं आतिश, हुंड का नहीं है बेटा, आशीष हुंड नहीं है, 4 पाई एम है, बिल्कुल पाई बेटा, पाई एच नहीं है, पाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर अपने पेन को आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, और आप अच्छे समझेंगे भी। हम लोग की जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मैच खा रहा है इसलिए इसको चेंज कर ले रहे हैं, ज्यादा क्लियर लगेगा। क्वांटम नंबर, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। नाम सुना है क्वांटम नंबर, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, तुरंत बोर्ड चेंज कर देंगे हम। जब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कक्षक समझा, के एल एम एन, उसके बाद उसके अंदर गए तो उप कक्षक समझा, एस पी डी एफ, और उसके बाद आप बाऊ का नियम याद आया, जिसको हम लोग बड़े प्यार से आपन बाऊ का नियम भी कहते थे। क्या था? आप बाऊ। जब आप बाऊ का नियम आया, अभी आगे बेटा आप बाऊ है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास 10th में इस चीज को पढ़ के आए हैं, ठीक, इस चीज को हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसके टॉपिक को हम लोग समझते हैं क्या
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। बोलिए ये 1 से 30 तक के तत्वों का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हम लोग पढ़े हैं। अभी आप बेटा लिखिए नहीं, थोड़ी देर के लिए पेन रख दीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देगा तो इससे बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यम लकी, टेंथ में तो पढ़ा होगा ना बेटा अब्बाऊ, टेंथ में तो पढ़ा था ना अब्बाऊ कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा ही होगा। जब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो देखिए उसमें इस चीज को याद करिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ऊपर वाला काउंट करिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30। ओके, यहां तक कोई समस्या? अगर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की तो बस एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा कि हमें चार बेसिक फॉर्म्स को देखने हैं, एन एल एम और एस। अगर इन चार बेसिक फॉर्म्स को आप देखें तो बहुत अच्छा है, ठीक। चलिए अब क्या करिए, आप कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग बनाइए क्वांटम नंबर। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बताने हेतु आवश्यक राशियां, परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बताने हेतु आवश्यक राशियां, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, है। कोई डाउट है तो बताइएगा, हम आपके चैट्स को बराबर देख रहे हैं, कोई भी समस्या होगी तुरंत बताइएगा। यस सर, टेंथ में था बेटा। लकी बिल्कुल मत परेशान हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इस चीज को बहुत डीपली हमें पढ़ना है। आप बस उस बेसिक ट्रिक्स को याद करिए जो बेसिक ट्रिक हम लोग को याद करना है, कि जब भी क्वांटम नंबर की बात करेगी तो एक छोटा सा फंडा याद रखना है कि हमें चार चीजें याद रखनी, एन एल एम एस। क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को बताने हेतु जो आवश्यक राशियां होती हैं उन्हीं राशियों को ही क्वांटम संख्या कहते हैं। समझने के लिए कोई आपसे पूछे कि इसे किससे लिखते हैं, तो एन एल एम एस। अब हम बात करेंगे वही सर, ये है क्या, है कि नहीं? तो अगर हम बात करेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कोश, है कि नहीं? अब कोश को हमने दो समझा, या तो शेल और या तो ऑर्बिट, बोलते ना इस ऑर्बिटल में ऑर्बिट से घूमते हैं, जिसको दिखाया एन से। और ये जो एन है वो किस मॉडल को दिखाता है, बोर के मॉडल को दिखाता है, बताइए, ये बात क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेल के अंदर होता है उपकोष, अगर उपकोष को समझा जाए तो याद रखिएगा सब सेल, और सब सेल की बात करेंगे तो सब सेल में आता है एल, और एल को जनरली जो दिखाता है उसे हम लोगों ने पढ़ा सोमरफील्ड में। अभी हम सबको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे कि यह है क्या। वैसे मेरे बच्चे जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये बात आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे,
कुछ बच्चे नहीं भी जानते, कोई बात नहीं, ओके, नो डाउट, अच्छी बात है नैन्सी। सर ये फंडा में क्या मतलब है? फंडा में मतलब ये है बेटा कि अगर कोई आपसे पूछे क्वांटम नंबर तो तुरंत आपके दिमाग में खटकना चाहिए NLMS। हम अपने ट्रिक को फंडा करके लिखाते हैं। यस सर। सर ऑर्बिटल क्या होता है और सबसेल? बेटा आपको बताया था कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। याद करिए ये बातें, जब बोर का मॉडल बता रहे थे तो बताए थे, और एक ऑर्बिटल में लगभग दो होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो ऑर्बिटल को कहा गया कक्षक, ओके, कक्षक। इसको हमने किससे दिखाया? एम से। इसको बताने वाले कौन थे? लैंडे। एक और बचा है, क्या क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन भर दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, किसमें? स्पिन करेगा, एस। इस बात को बताने वाले कौन थे? गोल्ड स्मिथ, नाम अगर सुने होगे, गोल्ड स्मिथ। देखिए दिख रहा है, आइए एक बार समझ लेते हैं, फिर बारी बारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। कक्षा में कौन कौन आती है? आशीष आपको बताए थे बेटा, कक्षा में जनरली सात आती हैं, जो कि चार हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं KLMN, लेकिन उस दिन बोर मॉडल में हम लोगों ने सात के बारे में पढ़ी थी। राजेश सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? बस एक मिनट में समझ जाओगे बेटा, बोर्ड पे देखो। हमसे पूछा गया क्वांटम नंबर, तो जब भी क्वांटम नंबर की बात हो तो आपके दिमाग में सिर्फ आने चाहिए चार, NLMS। अगर हम बात करें फर्स्ट की तो उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को ही दिखाते हैं किससे? N से। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमसे एक बात पूछी जाती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहचानेंगे कैसे? तो N पहचानेंगे किससे? सेल से। सेल क्या होता है? KLMN। इस बात को बताने वाले कौन थे? तो बोर। देखिए बेटा, तीन बातें हम लोग एक साथ एक जगह लिख दिए, बिल्कुल राजेश इसको लिखना है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, आगे चलेंगे, ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या को दिखाया N से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं, किससे दिखाया? स्मॉल N से। कक्षक हमें देखना है KLMN। इसके बाद अगर हम L की बात करें तो L किसको देखेगा? सब सेल्स। जैसे कोष में अगर आपको याद रखना है तो इसमें ऐसे लिख लो KLMN देखना है, डॉट 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 डॉट। उपकोष में किसको देखना है? SPDF को देखना है, ऐसे याद कर लो। उपकोष मतलब जो सेल के अंदर हो। L इसे बताने वाले थे कौन? इसे बताने वाले थे सोमरफील्ड, ओके, बहुत अच्छे आकाश, बहुत अच्छे। M की बात करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, किसमें देखा जाता है? ऑर्बिटल कक्षकों में देखा जाता है। इस बात को बताने वाले कौन थे? लैंडे। और इसमें भरते क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बताने वाले थे गोल्ड स्मिथ, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर और निम्न कक्षाओं में चक्रण करता है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बताने के लिए जिन राशियों का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। जब भी कोई आपसे क्वांटम नंबर पूछे तो आपके दिमाग में आने चाहिए चार, कौन कौन? NLMS।
यहां तक क्लियर है तो बोलिए हम स्टार्ट करें पहले से, और पहली हेडिंग बना लीजिएगा मुख्य क्वांटम नंबर। जल्दी से कॉपी में हेडिंग बनाइए, मुख्य क्वांटम नंबर। याद रखिएगा मुख्य क्वांटम नंबर कोष की, कोष मतलब ये सेल, शेल की जानकारी देता है। जैसे अब n मतलब नंबर, याद रखिएगा जीरो से मत स्टार्ट करिएगा, एक दो तीन चार डैड डैड डैड, एक है तो k, दो है तो l, तीन है तो m, चार है तो n, आगे है तो आगे। बोलिए ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर नैन्सी, एन एल एम एस के बारे में भी लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है। अब बारी बारी हम लिखवा रहे हैं, आप साथ में लिखते चलिए, कोई समस्या है तो बताइए। तब सर एन एल एम एस क्वांटम नंबर हो गए तब न सर? बिल्कुल बेटा, इस यही बात तो आपको समझा रहे हैं कि जब भी क्वांटम नंबर की बात होगी तो आप उनको एन एल एम एस से समझिएगा। अगर बात होगी क्वांटम नंबर क्या है, कोई आपसे पूछे तो कहिएगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बताने हेतु जिन आवश्यक राशियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। कोई पूछे इन्हें किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इन्हें हम एन एल एम एस से प्रदर्शित करेंगे। ओके बेटा, लेंडे, लेंडे ने किया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, गोल्ड स्मिथ, एस फॉर स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर या तो नीचे की ओर भरेंगे, इस बात को बताने वाले थे। गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्मिथ, ये अलग अलग नाम वैज्ञानिकों के हैं जो कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ट्रिक था तो हम एक साथ बता दी कि आपको याद हो जाए। ओके ये लैंडे और गोल्ड स्मिथ अलग है, इलेक्ट्रॉन में गोल्ड स्मिथ है, इलेक्ट्रॉन है बेटा लास्ट में, ई एल ई सी टी आर ओ एन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आगे चले, मुख्य क्वांटम संख्या क्लियर है? मुख्य क्वांटम संख्या को एन से दिखाइएगा, कोस सेल जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, एन की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, एक है तो के को दिखाएगा, दो है तो एल को दिखाएगा, एम है तो तीन को दिखाएगा, एन है तो चार को दिखाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। राजेश बताया बेटा कि लैंडे अलग है, उसके बाद इसमें आइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नीचे एस, जिसको बताने वाले थे गोल्ड स्मिथ। यहां तक क्लियर है? आगे चला जाए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए हम आगे चलते हैं, हमसे कहा जा रहा है दूसरा। बिल्कुल साक्षी, एल का मान जीरो हो सकता है, अभी आगे उसी बात को चलेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या। कोशिश कीजिएगा बच्चों, स्मॉल एल बनाइएगा, कैपिटल मत लिखिएगा। अगर बात होगी ये क्या है तो आप कहिएगा उपकोष में, उपकोष की, उपकोष मतलब कौन, एसपीडीएफ की जानकारी देता है। ठीक है, एक छोटा सा फंडा लिख दे रहे हैं, आप भी ऐसे ही फंडा करके लिख लीजिएगा नोट करके, कि n के किसी मान के लिए, n के किसी मान हेतु
एल बराबर जीरो से एन माइनस वन ओके। और याद रखिएगा कि एल जो है सदैव एन से होना चाहिए ओके। कोई डाउट है तो बताइएगा। अगर हम बात करेंगे नोट की तो नोट में आपको याद रखना है कि जो L का मान होगा, L का प्रत्येक मान मान एक उपकोष की जानकारी देगा, एक उपकोष की जानकारी देगा। जैसे याद रखिए कि अगर L बराबर जीरो है तो S उपकोष, अगर L बराबर एक है तो P, L बराबर दो है तो D, L बराबर तीन है तो F, L बराबर चार है तो G, L बराबर पांच है तो H। बोलिए इसमें किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी। सर जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता? बेटा कच्छक हमेशा नंबर से स्टार्ट होंगे, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो उसको होल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है ना? सर इसे सांख्यिक क्वांटम संख्या कहते हैं, बिल्कुल बेटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सतीश। ये सुनकर हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ और हम लोग की सभी की मेहनत लग रहा है थोड़ा सा वो हो गया कि CHS एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल बेटा फंडा मतलब नोट्स। साक्षी जीरो से एन माइनस वन, जीरो से एन माइनस वन का मतलब है जीरो एक दो तीन चार, जितना भी एन का मान होगा उसमें से घटा दीजिएगा ओके। राजेश 20 के बाद पता चलेगा कब है। बेटा अभी डाउट नहीं है, ई लॉटरी आ गया लेकिन एग्जाम पूरी तरह कैंसिल हो गया है, ई लॉटरी वाला सिस्टम है ओके। नो डाउट फाइनल कर दिए हैं, कैंसल्ड ओके। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो एल से दिखाएगा, इसमें उपकोष की जानकारी होगी। याद रखिए कि एन के किसी भी मान के लिए एल का मान एन माइनस वन होगा, जहां एल का मान सदैव एन की वैल्यू से दिखाएगा। एल का जो मान है वो जीरो एक दो तीन चार पांच होगा, अगर एल का मान जीरो है तो एस होगा। हम बचपन से सिर्फ चार पढ़ते आए हैं, क्या एस पी डी एफ, आप चाहो तो जीएच भी लिख लो, जिस तरह हम लोगों ने आपको केएलएमएन बताया था, लेकिन और भी आगे होता है KLMNOPQ, मतलब टोटल होते हैं 7 ओके। सर डी के बाद एफ जी एच भी होता है, बिल्कुल बेटा। और याद रखे कि हम ABCD नहीं पढ़ा रहे, ये इससे रूल्स ऑफ केमिस्ट्री। राजेश बता तो दिए बेटा, अब उसमें बार बार पूछना क्या है, लग ऐसे ही रहा है मधु, हो सकता है बेटा। आगे चला जाए, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए जल्दी से करेंगे बेटा वरना आपके सर आ जाएंगे। बिल्कुल राजेश एग्जाम नहीं होगा बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है। अगला लिखिए बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या M से। याद रखिएगा इसका जो मतलब होता है, उपकोष में कक्षकों को बताती है, कक्षकों को बताती है।
याद रखिएगा एक छोटा सा फंडा, क्या कि दिए गए एल के मान हेतु, दिए गए एल के मान हेतु एम जो है प्लस एल से माइनस एल तक, मतलब जो कुल मान हो जाएगा वो 2L प्लस 1 होगा, इसको याद कर लीजिए। अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो याद रखिएगा कि M का प्रत्येक मान, M का प्रत्येक मान उपकोष में, उपकोष में कक्षक की जानकारी देता है। ओके, याद हो जाएगा। जैसे जल्दी से कॉपी करते रहिए, कोई डाउट है तो तुरंत बताइए। विनय वर्मा सर, हमारे पास चैप्टर वन का था, बिल्कुल आगे कर लो सर, आगे चलिए, बिल्कुल साक्षी हम आगे चल रहे हैं। बाकी लोग बताइए बेटा, सब चीज क्लियर है? एम का जो मान होगा वो 2L प्लस 1, बिल्कुल ये 2 बना है, 2L प्लस 1 होता है, L दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा अच्छे से। अब याद रखिएगा जो M का प्रत्येक मान होता है उपकोष में कक्षक की जानकारी देगा। जैसे सपोज करिए कि यदि S है तो S के लिए जनरली होते कितने हैं, 2, P के लिए 6, D के लिए 10 और F के लिए 14। हम लोग क्या करते हैं, इनको 2 से काट देते हैं। जब 2 से काटे तो 2 से 2 कटा 1 आया, मतलब एक डब्बा बनेगा और इस डब्बे के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, ये किसको दिखाएगा, S को। और अगर 6 है तो 6 को 2 से काटे तो कितना डब्बा बना, 3। देखिए उधर मेरे पास स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक, 6 को काटे तो कितने बने, 3। समझना है तो इसको हम लोग याद किए थे क्या, px, py, pz, याद करिए, px, py, pz, 0 इधर प्लस 1 इधर माइनस 1। कोई डाउट है तो बताइएगा। इसको काटा तो 10 का आधा 5, मतलब टोटल हो गए 5, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग याद किए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड 2, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एफ है बेटा, उसको काटो तो 14 थे, 14 काटे तो 7 हो गया, एक दो तीन चार पांच छ इक्वल लो 7, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, याद हो जाएगा, बोलिए। जल्दी जल्दी, हम देख पा रहे हैं आपको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
सर फंडा एंड नोट्स एक ही है ना? बिल्कुल बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फंडा का मतलब ऐसी चीज जो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए, उसी को हम फंडा कह देते हैं। ओके, अच्छे समझ आ रहा है। ओके बेटा, S2P6D10, बहुत अच्छे। S में एक P है, 3 में D, बहुत अच्छे बेटा। बेटा ये इसकी वैल्यू है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वैल्यू पूछेगा। अब इन्हीं ऑर्बिटल में हमें रखना है, तो एक बार देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में दिखाने के लिए दिए गए एल के मान हेतु एम का मान प्लस एल से माइनस एल तक होता है। इसके समझाने का मतलब यह है कि यहां पे माइनस वन हो, जीरो हो, प्लस वन हो, ओके? और अगर हम कुल मान की बात करेंगे तो कुल मान को जोड़ देंगे तो 2l प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। दो में क्या है सर? सर मेरा भी बता दीजिए स्वीटी, क्या दिक्कत था? देखे नहीं बेटा आपका क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर से करो स्वीटी। बाकी लोग सब क्लियर है? m का मान उपकोष में कच्छक की जानकारी देगा। हम लोग याद किए हैं s में 2 होगा, जब 2 से हम भाग किए तो 2 से भाग करने पर 1 आया, मतलब एक डब्बा बनाएंगे ऐसे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 6 को भाग किए तो 3 आया, तो 3 डब्बा बनाए। 10 का आधा 5, तो 5 डब्बा बनाए। 14 का आधा 7, तो 7 डब्बा बनाए। बहुत इजी है, बोलो सर इसे एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, अगर हम बात करेंगे तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आप कैसे निकालोगे, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। जैसे देखिए यहां पे क्या कहा, एस की में एक उपकोष है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0। सर वो dx dy के बाद क्या लिखा है? बेटा dx dxy dyz dz स्क्वायर dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओके? राजेश क्लियर हुआ? एक बार फिर से सुनो, dxy dyz dz स्क्वायर dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वैसे इतना डीपली तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आपके आज भी काम देंगे और आने वाले बीएससी या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम देगा, ओके? सर थोड़ा साइड हो जाइए। बिल्कुल बेटा, हम साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए, क्या चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। जल्दी सर, ये डी एक्स और ये वाई सब क्या है? बेटा ये सब उस कोस की वैल्यू होती है, जब हम लोग संकरण पढ़ेंगे तब यहां इस वैल्यू की जरूरत होगी, क्योंकि यहां पे सामने था इसलिए हम आपको बताएं कि ये छोटी छोटी पॉइंट है, उसको आप याद कर लीजिए। बेटा एग्जाम्पल तो भी है, एक और बचा है उसके बाद करेंगे। जैसे डी के लिए नीचे लिखे हैं, देखिए बराबर, आइए जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए क्योंकि नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो गई है। नेक्स्ट क्लास सर आप भी गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए, चक्रण क्वांटम संख्या। हो गया सर? बिल्कुल बेटा हो गया, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, आपके सर आ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या क्वांटम नंबर की, तो हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या देखा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के पहले दिगंसी क्वांटम संख्या देखा जिसे एल से दिखाया, इसको समझने के लिए एसपीडीएफ देखा जिसमें एल का मान 0 से एन माइनस 1 हो सकता है। उसके पहले हम जब क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे तो क्वांटम नंबर दिखाने के लिए एनएलएमएस से दिखाया, इसको बताने वाले कैसे जानकारी लेंगे? तो हम याद करेंगे सेल जो केलेमैन होते हैं, एन को सबसे पहले बताने वाले थे बोर्स, सब सेल जो उपकोष होते हैं उसको बताने वाले थे सोमरफेल्ड, एम लैंडे ने बताया ऑर्बिटल कक्षकों में, इसमें क्या भरते? इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ओके? बेटा अभी एक एग्जांपल है, क्योंकि समय हो चुका है इसलिए आज हम नहीं बताएंगे। संकरण क्वांटम नंबर का इंग्लिश में क्या लिखा है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटा उसे, ठीक। यहां तक कोई समस्या? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत समझ में आया था? ओके, नेक्स्ट आपकी क्लास चलेगी बायोलॉजी की, बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, एक होमवर्क है, आप चाहो तो कर लेना, वैसे मन तो नहीं था लेकिन फिर भी कर लेना। होमवर्क है पोटेशियम के 17वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बताइए। ये छोटा सा होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल साक्षात बायो ही है बेटा। उसकी वैल्यू है, क्योंकि आज समय नहीं था इसलिए नहीं बता पाए, लेकिन आपके सर आ चुके हैं इसलिए वो पढ़ाएंगे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। गुड मॉर्निंग है ना? अरे हाँ या ना? चल तो सिंपल था गुड मॉर्निंग की बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है? सभी लोग फटाफट आ जाओ, हम लोग बायो की बातचीत करेंगे। अगर सब लोग गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। कुछ क्वेश्चन पूछा जाए? मन तो कर रहा है क्वेश्चन थोड़ा पूछो। जो पूछो, कितने लोग क्वेश्चन के तैयार हैं? एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए, रफली टेस्ट है, बहुत बड़ा गेम नहीं करना है, केबीसी का क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन उठाया जाए? कौन बनेगा करोड़पति का गेम नहीं है, बेसिकली है। हाँ बेटा मैथ है, सिटी। क्वेश्चन उठाया जाए? थोड़ा थोड़ा, सब तैयार हैं? जी सर पूछिए, बहुत अच्छा मधु का आंसर। चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के विषय में किस वैज्ञानिक ने बताया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के विषय में किस वैज्ञानिक ने बताया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के विषय में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था?
सर अपवर्ड बता रहा है, क्या है था? गुड मॉर्निंग, यस सर पूछिए बताइए। बाइनोमियल, बाइनोमियल हिंदी में बोलते द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति नामकरण के विषय में किस वैज्ञानिक ने बताया था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखते मेरे बच्चे बता पाते कि नहीं। फटाफट फटाफट फटाफट। नैन्सी, मधु, लकी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस वैज्ञानिक ने बताया था? फटाफट। हाँ बेटा साक्षी, मैथ। इसके बाद कैरोनस, थोड़ा सा ध्यान दो। राजेश क्या बता रहे हो? लीनियस ने, बहुत अच्छा। लकी, लकी का आंसर था कैरोलस लीनियस, या इसको सी लीनियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? लकी का आंसर सही है, ठीक है। कैरोलस लीनियस, नीलियस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस, इनकी किताब का नाम, इनकी किताब का नाम देखिए कौन बता पाता है। कैरोलस लीनियस की किताब का नाम जिसमें इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के विषय में बताया था। अब तो सही आ जाएगा सबका। कैरोलस लीनियस का किताब का नाम जिसमें इन्होंने बाइनोमियल के बारे में बताया था, फटाफट। कैरोलस लीनियस की किताब का नाम देखे कौन बता पाता है। चलो ये तो आंसर आ गया, चलो सी लीनियस तो बता दिया। कैरोलस लीनियस की किताब का नाम जिसमें उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के विषय में बताया था। स्पीसीज प्लांटेरियम, बहुत अच्छा। मधु का आंसर आ गया, नैन्सी का, निधि का आ गया, और किसी का? अब तो सबके आ जाएंगे, चैट सब लोग देखता है तो नॉर्मल सबके आंसर आ जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हो गया? चलो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सबके आंसर आ गए। निधि के आ गए, मधु के आ गए, सत्यम, तनुश्री, नैन्सी, राजेश, लकी, सबके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आसान आसान क्वेश्चन है ये तो, नाइन्थ वालों को पता रहता है यार, तुम तो इलेवेंथ में हो। बताओ फटाफट। आंसर नहीं आए, ये तो आसान था यार, ये तो पिद्दी सा क्वेश्चन है। पिद्दी मतलब समझते हो ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तनुश्री के आंसर सही है, बाकी सब हाँ। मधु के आंसर सही हो गए बेटा, तनुश्री के आंसर सही हो गए हाँ। निधि तुम्हारा आंसर कहाँ बेटा? अच्छा, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। हाँ सर बहुत अच्छा, सही है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, अरे चल चुका है, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तुम लोग। चलो कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। भारत में वर्गीकी के पिता कौन है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सीलीनियस ही नहीं होगा हर जगह। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कोई बता सकता है? देखे कौन कौन है। बहुत अच्छा मधु, बहुत अच्छा आंसर भाई, ये तो बेस्ट आंसर है।
क्योंकि अभी तक किसी के आंसर नहीं आए थे। बहुत अच्छा आंसर। चल मेरे बच्चे तेज हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना। अरे हाँ है ना, तेज हो रहे हो ना तुम लोग। बहुत अच्छा। आईसीबीएन की स्थापना या आईसीबीएन की परिकल्पना कब की गई थी? आईसीबीएन की परिकल्पना किस सन में की गई थी और किस सन में इसको एक्सेप्ट किया गया था? बहुत अच्छा आंसर मधु, तनुश्री, नैन्सी, बहुत अच्छा आंसर बेटा। क्वेश्चन था आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की परिकल्पना किस सन में की गई थी और इसको एक्सेप्ट किस सन में किया गया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की स्थापना कब की गई थी या परिकल्पना कब की गई थी, इसे एक्सेप्ट कब किया गया था? बहुत अच्छा। 30 साल बाद उसे 31 है, ठीक है 31। बहुत अच्छा। 1930 तो ठीक 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 1930 में 31 साल बाद वो किया गया था। बहुत अच्छा, सबके आंसर आ गए। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा टफ क्वेश्चन, पूछा जाए। ट्यूटोनिज्म किस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में प्रयोग नहीं होता? ट्यूटोनिज्म का प्रयोग किसके नॉमेनक्लेचर में नहीं किया जाता, जंतुओं या पौधों? ट्यूटोनिज्म का प्रयोग किस नामकरण पद्धति में नहीं उपयोग होता, या ट्यूटोनिज्म का उपयोग किस नामकरण में नहीं किया जाता, किसके नामकरण में, प्लांट या एनिमल? ट्यूटोनिज्म का प्रयोग किसके नामकरण में नहीं किया जाता, प्लांट एनिमल? ट्यूटोनिज्म का प्रयोग किसके नामकरण में नहीं किया जाता, नहीं को ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में इसी में परेशान करते हैं। नैन्सी बहुत अच्छा आंसर, ट्यूटोनिज्म का प्रयोग प्लांट के नॉमेनक्लेचर में नहीं किया जाता, जंतुओं के नॉमेनक्लेचर में किया जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बोल भाई हाँ या ना। बहुत अच्छा, निधि का आ गया आंसर, मधु का आ गया। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने बता दिए, ठीक है, ये तो पक्का, इसमें कोई दिक्कत? बोल भाई हाँ या ना। आगे चले, आगे चलते हैं। तो कहां तक हुआ था हम लोगों का? ये हेडिंग करा दिया था साथ हम लोगों ने कि जब भी हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय कोशिश करते हैं कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो इंग्लिश में जब हम नामकरण करते हैं, इंग्लिश में नेमिंग क्लेचर करते हैं, तो उनमें वर्ड क्या होते हैं, 12 से न तो अधिक होने चाहिए न तो 3 से कम होने चाहिए। मतलब भैया 903 से कम होगा न तो 12 से अधिक होगा। तो भैया सिंपल था, जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम लिखते समय ना तो अल्फाबेट न वर्ड आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ना तो 3 से कम होने चाहिए और ना ही 12 से अधिक। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना। क्लियर हुआ? यस सर। एक्सेप्शन बताओ तो, वो कौन सा ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर है जिसका नॉमेनक्लेचर में 12 से अधिक अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है? देखते कौन बता पाता है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। वो कौन सा ऐसा, नोट्स लिए जो लिखा होगा उसके पास होगा, वो कौन सा ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर है जिसका नॉमेनक्लेचर में 12 से अधिक अल्फाबेट्स प्रयोग होते हैं? हो गया आंसर, देखे कौन दे पाता है। धांसू सा क्वेश्चन है क्या?
है तो बच्चों वाला, नहीं बच्चों से थोड़ा बड़ा हो गया ना। हाँ हो गया, बट हाँ ये नैन्सी का आंसर बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा आंसर नैन्सी। तनुश्री के भी आंसर आ गए हैं, नैन्सी के आंसर आ गए। ये इंडियन कोबरा क्यों लिख बोल रहे हो तुम लोग, ये मार खाओगे क्या? बट तो भैया सिंपल सा, ये तो सारे अपवाद हो गए थे, कोई दिक्कत ना। अब उसके बाद हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना था, तो टॉपिक में हमको पढ़ना था, यहां तक हमने रिकिया प्लैनकोट इंसेसिस की बातचीत कर लिए थे, कोई दिक्कत भाई? हाँ या ना? आगे चले। एक छोटा सा, मैं कल क्लास जब खत्म हो रहा था, बहुत अच्छा आंसर नैन्सी, कल तो कल जब क्लास खत्म हो रहा तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश को लेके डाउट्स क्रिएट किए थे, ठीक है? तो इंग्लिश को लेके डाउट्स क्रिएट करना लाजिमी है, तुम लोग जिस क्लास में हो उसमें ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि सर हम अभी अभी 10th पास करके आए हैं 11th में, और सिंपल सा अभी तक की जो हमारी स्कूलिंग थी, मतलब LKG से लेके 10th तक की जो स्कूलिंग थी, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे। समझ में आ रहा बेटा? हिंदी में पढ़ते थे, तो हिंदी में पढ़ते, इंग्लिश हमारा ऑप्शनल होता का मतलब उसमें पढ़ा भी जा सकता था, नहीं पढ़ा जा सकता था। लेकिन अब हम लोग जब हम लोग 10th पास कर लिए हैं, तो 10th वाले जो पोर्शन में आ रहे छोटू, 10th वाले पोर्शन में ध्यान से देना जो बोल रहा हूं। तो 10th वाले पोर्शन में हो क्या रहा है कि अब हमारे पास 11th है। अब 11th का मतलब 11th एंड 12th। अब यही हमको 2 साल की क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ये 2 साल हमारे कैरियर को डिफाइन करते हैं। थोड़ा कहानी था अपनी, अपना अपना मैं थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज को फेस किया हूं। मैं भी यूपी बोर्ड से था, ठीक है? मेरा क्वींस कॉलेज था मेरा इंटर। तो सिंपल से देखा जाता है कि जब हम लोग अभी हम जिस मोड में आपको ले चल रहे हैं, वहाँ पे एकेडमिक प्लस फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं। मतलब आपको एकेडमिक मतलब बोर्ड के साथ साथ चीज़ों को फाउंडेशन लेवल पे भी ऐड कराया जा रहा है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वो पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के, क्यों यदि मैं अगर मैं नॉर्मल केवल एकेडमिक पढ़ाऊंगा तो आपके बोर्ड तो अच्छे हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है? लेकिन फिर वही होगा, हम 2 साल 11th 12th 2 साल हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? अब उसके बाद जब 12 कंप्लीट होगा, तो 12 के बाद हम क्या करेंगे, हमको कोई ना कोई कंपटीशन निकालना होगा। तो हिंदी में मोस्ट ऑफ द कंपटीशन बहुत टफ हो जाते हैं, ठीक है? या मोस्ट ऑफ द कंपटीशन आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बायो के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, मैथ के लिए लैंग्वेज डिफाइन नहीं करता। तो सिंपल से ये जो कंपटीशन होता है ये आपके लिए टफ हो जाता है। अब इसके लिए अभी तक के बच्चे करते क्या हैं, इसके लिए अभी तक के बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मल क्या करते हैं, वो 12 बाद वो तैयारी करने जाते हैं या टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है? जब वो टारगेट तैयारी करते हैं छोटू, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कोचिंग वाले हिंदी में भी चलाते हैं, कुछ कोचिंग वाले इंग्लिश में भी चलाते हैं, लेकिन ये केवल आपको उल्लू बनाया जाता है। साइंटिफिकली तौर पे देखा जाता है तो आगे की जो पढ़ाई होती है, आपके जो कंपटीशन के बुक होते हैं, ठीक है, या जिस बुक को आपको पढ़ना होता है, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, या जितने अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं, सारे टेस्ट सीरीज का लैंग्वेज इंग्लिश होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, तो जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ के आता है वो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसका क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनत करता निकल जाता है। लेकिन जो बच्चा लोग हिंदी में करके आता है वो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाते तो अपने किस्मत को या अपने समय को या अपने कंडीशन को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि चीज़ों जब हमको पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो टैक्सोनॉमी को हिंदी में, इतना बहुत बेसिक है वो, ठीक है?
तो ज्यादा हिंदी में न जाके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी हम लोग कवर करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप लोग 10+2 जाएंगे, ये एकेडमिक प्लस फाउंडेशन से फायदा ही होगा कि आपका एक साल बच जाएगा। एक साल के साथ साथ मतलब एक साल बहुत कीमती होता है, ठीक है बेटा, और करते रहिए, नहीं तो फिर आफ्टर 12 मैं हिंदी में पढ़ा दूंगा, नो डाउट। लेकिन ये आपके लिए दुर्भाग्य होता है, या मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने 11th 12th इंग्लिश में हिंदी में किया था, लेकिन उसके बाद मुझे टारगेट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करने पड़े थे उस लैंग्वेज को पकड़ने के लिए या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मन में जा रहा बेटा, तो थोड़ा सा ये टफ टास्क होगा, लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत कर दी तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब नो डाउट ये फिक्स होता है कि यूपी बोर्ड के बच्चे हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, सीबीएसई के बच्चे स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा सा गाइडलाइन दे दिया जाए या उनको वे ऑफ लर्निंग सिखा दिया जाए तो उनका क्या रिजल्ट ऑटोमेटिकली होगा। क्यों? क्योंकि वो हार्डवर्क ऑटोमेटिकली करते हैं। अब वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऐड करा देंगे और स्मार्ट वर्क के थोड़ा सा इंग्लिश आता है, ठीक है बेटा, तो जिससे चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा काम आपको केवल 10+2 पास कराना नहीं होता है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा 10+2 पास करे वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो जाए। और सिलेक्शन ही मोटो है, और कोई मोटो नहीं है। 10+2 में 99% लेके भी हम क्या करेंगे जब हमारा कहीं सिलेक्शन ना हो, ठीक है बेटा। तो क्यों ना ऐसे पढ़ा जाए कि 99 भी हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। अगर उसके लिए मुझे 2 घंटा मेहनत करना हो तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है बेटा। ये आपके लिए है बेटा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके साथ प्योर हिंदी में बात करूंगा तो ये आपके साथ चीट होगा। क्यों चीट होगा? क्योंकि हम केवल आपका आज बनाएंगे, आगे का फ्यूचर नहीं बनाएंगे। अब आगे के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश करना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे बट ये फैक्ट है कि मान लो आप 10+2 पास हो जाते हैं, आपका BHU में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो BHU में जब सिलेक्शन होता है तो बेटा वहाँ पर सारे लेक्चर इंग्लिश में होते हैं। जिसको तुम लोग अभी टैक्सोनॉमी को हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो, वहाँ पर टैक्सोनॉमी को हिंदी में कोई बोलता ही नहीं है, वहाँ सारे प्रोफेसर इंग्लिश में आके लेक्चर देके चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पकड़ते रहो, क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर आपके साथ वही ऐड होना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यूपी बोर्ड प्योर हिंदी पढ़ के आते हैं, अब बिलीव नहीं करेंगे वो फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में फंस जाते हैं, फिर कुछ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर तो वो पूरे 3 साल केवल मार्क्स बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। मैंने बेचारा बेटा ये चीज़ें मैं फेस किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जो हमने फेस किया वो आप फेस करें, ठीक है बेटा। क्योंकि लाइफ होती है, जीवन एक बार मिलता है, और ये समय जो आपके साथ 11th और 12th का जो समय है ना बेटा, ये लाइफ में केवल एक बार मिलेगा, और इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। मतलब 11th 12th जिस बच्चे ने अपने जीवन में, जिस बच्चे ने भी थोड़ा सा सिंसियर होकर अपने सिलेबस को कंक्लूड करना या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 10+2 बाद कहीं ना कहीं सेलेक्टेड रहेगा। और 10+2 का मतलब सिंपल सा, यदि वो मेडिकल में सेलेक्टेड होता है वो, या इसको IT में सिलेक्शन होता है, तो सारी जर्नी आपको बस यही 2 साल है। मेडिकल की दुनिया तो अलग हो जाएगी, वहाँ पे आपको बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हैं। मैंने बुझा रहा बेटा, तो इन्हीं को थोड़ा ध्यान रखते हैं आपके भले के लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं हिंदी में पढ़ाऊँ चाहे इंग्लिश में पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लेक्चर ही देने हैं, ठीक है। बस मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका इस मेरे थोड़े से एफर्ट से आपका आपकी आपके नोट्स में या आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और किसी भी टीचर का सपना यही होता है कि उसके बच्चे अच्छी जगह सेलेक्शन हो, सेलेक्टेड हो, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मैनेज करिए, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होगी, जहाँ पे मुझे लगता है हिंदी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन जहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए वहाँ पे इंग्लिश ही रहने दीजिए, ठीक है। यदि रहता है कुछ चीज़ें तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊँगा, ठीक है। लेकिन हम टर्म को थोड़ा सा इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस में हिंदी भी लिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके टर्म्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्पल थोड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा इंग्लिश में करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर? चल तो स्टार्ट करते हैं। तो कल की जो बातचीत हुई थी छोटू, यहाँ ध्यान दो, कल हमने जो बताया था, और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, ठीक है बेटा। और क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे नॉर्मल क्या होता है ना, अगर किसी को गाइड कर दो या किसी को अच्छी नॉलेज दे दो तो जीवन भर आपका वो सिंपल से यार किसी की लाइफ बन जाए। मैंने वो फेस किया था,
तब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इंटर में था, इंटर पास होने का जब मैं टारगेट में गया था, मुझे 3-4 महीने लग गए थे लैंग्वेज को कैप्चर करने में। टीचर आके हिंदी इंग्लिश में बोल के जाते थे, पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ, फिर उसी के बाद सिंपल सा बीएचयू में एडमिशन, उसके बाद बीएचयू की लैंग्वेज को ट्रैप करना, ये थोड़ा सा टफ था। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे के साथ यही हो, उनके लिए थोड़ा सा कोऑपरेशन है, थोड़ा सा कर दीजिए, नहीं तो फिर मोड ऑफ टीचिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो सिंपल सा, हाँ मदद थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बताएंगे, ठीक है बेटा। तो कल की बातचीत हो चुकी थी, हमने अपवाद की बातचीत कर लिया था, उसके बाद हमने ये बताया था कि जब हम नॉर्मन क्लेचर करते हैं तो नॉर्मन क्लेचर में क्या होता है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो न तो 3 से कम होने चाहिए, ठीक है बेटा, न तो 3 से कम होने चाहिए और ना ही 12 से अधिक होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो उसका एक एग्जांपल रिकिया प्लैनकॉट इंसेसिस की बातचीत की गई थी, यहाँ तक बात हम लोगों ने खत्म कर दिया था। उसके बाद की कहानी आगे चलनी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना था। तो इसमें स्टार्ट क्या करना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अक्सर आप लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या इंग्लिश में कोई वर्डिंग करते हैं तो उसमें सिंपल सा, जब पहला सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको स्मॉल लेटर कर देते हैं। क्लियर बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करना है कि जब हम जेनेरिक नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम, जब हम जेनेरिक नेम लिखते हैं या वंश का नाम, जब हम जेनेरिक नेम या वंश का नाम लिखते हैं बेटा, तो वंश का जो प्रथम अल्फाबेट्स होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जो वंश का प्रथम अल्फाबेट्स क्या होता है बेटा, कैपिटल लेटर होता है। और इंग्लिश का जो अल्फाबेट्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर। तो जब हम वंश का नामकरण करते हैं, वंश का प्रथम शब्द क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज का प्रथम शब्द क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। अगर एग्जांपल की बातचीत करेंगे तो वही प्यारा, जब फलों का राजा आम, तो मैंगीफेरा इंडिका, जब मैंगीफेरा इंडिका की बातचीत करते हैं छोटू, तो मैंगीफेरा इंडिका में एम क्या है बेटा, ये मैंगीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम या वंश का नाम है। तो वंश में जो आपका यम है वो क्या बेटा, कैपिटल लेटर है। क्लियर हुआ। लेकिन जब हम लोग स्पीसीज की बातचीत करते हैं, जाति का नाम लिखते हैं, तो जाति में तुम्हारा क्या है, इंडिका, और इसका पहला लेटर क्या है, आई है, और आई क्या है, स्मॉल लेटर। समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ बेटा, मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है, ठीक है, हो गया बेटा, बीएचयू से बीएससी एमएससी पीएचडी चल रहा है, हो गया। ये आपके लिए था पूरा, ये दो तीन मिनट मैंने बोला है वो आपके लिए था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इफ एंड बट लगे, ठीक है बेटा। ये लाइन समझ में आ गई बेटा, तो इसमें लिखना था वंश का प्रथम शब्द कैपिटल लेटर, वंश का प्रथम शब्द कैपिटल लेटर, वंश का प्रथम शब्द कैपिटल लेटर, तथा जाति का प्रथम शब्द स्मॉल लेटर लिखा जाता है, तथा जाति का प्रथम शब्द स्मॉल लेटर लिखा जाता है। बहुत अच्छा लगे, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। अब एग्जांपल कैसे लिखेंगे, अब यहां आता है इंग्लिश हिंदी का बैरियर। अब इसको इंग्लिश में, अब हिंदी में लिखेंगे तो भैया मैंगीफेरा इंडिका को हिंदी में तो अलग ही होगा, लेकिन रूल्स फॉलो कब करेगा, जब हमको इंग्लिश में लिखेंगे। तो एग्जांपल होगा मैंगीफेरा इंडिका में यम क्या है बेटा, हमारा कैपिटल लेटर है, और आई क्या है बेटा, स्मॉल लेटर। क्लियर, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। हो गया बेटा, एग्जांपल लिख के डन करिए, एग्जांपल लिखने के बाद डन, यस, नो, कुछ भी जो आपका अच्छा लगे।
बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा हो गया बेटा, बहुत अच्छा सर, क्लियर है पक्का? चलो लिख भी लिया, नोट्स बना लिया तुम लोगों ने, नोट डाउन कर लिया ना? नोट डाउन कर लिया तो नहीं तो फिर से बोल दूं, हमने बोला यही था कि जेनेरिक वंश का प्रथम शब्द कैपिटल लेटर तथा जाति का प्रथम शब्द स्मॉल लेटर लिखा जाता है। हो गया सर, डन, बहुत अच्छा। निधि, नैन्सी, लकी, बहुत अच्छा बेटा। चलो अब अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल्स की तरफ। नेक्स्ट रूल थोड़ा सा कॉमन है, कॉमन रूल ये है, जैसे जब तुम लोग किताब खोलते हो, ठीक है, जब किताब में साइंटिफिक नेम लिखते हैं बेटा, हाँ बेटा, जो स्पीसीज होती है, जो जाति का नाम, हमेशा स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग किताब खोलते हैं या किताब में साइंटिफिक नेम लिखा हुआ देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इटैलिक में होता है, मतलब इटैलिक का मतलब जैसे तुम लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से दिखाएं, ध्यान से दिखाएं, चलो तुम लोगों के लिए जादू दिखाते हैं, ठीक है, याद आ दो। जब तुम इसको, जब इस लेटर को देखो और इस लेटर को देखो, तो उन दोनों को एक चीज दिखाई देगा, ये लेटर क्या स्ट्रेट फॉर्मेट में है, क्या बेटा स्ट्रेट फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो अंडरलाइन वाला लेटर है, ये क्या थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसको फ़ॉन्ट में बोलते हैं इटैलिक में, क्या बोलते हैं इटैलिक। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है इसको समझो, पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट क्या बनता है, तो पॉइंट ये बनता है कि जब हम लोग साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं, माइंड में रखिएगा, जब हम लोग साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं, तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जब हम लोग साइंटिफिक नेम, माइंड में रखिएगा जो बोल रहा हूं, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, क्लियर बेटा। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करते हैं या किताब में छपता है, तो ये क्या होता है इटैलिक इन नेचर, क्या होता है इटैलिक इन नेचर होता है, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हुआ होता है, क्लियर है बेटा। तो रोल, नेक्स्ट रूल्स लिखो, लिखे हाथ द्वारा साइंटिफिक नेम लिखने के द्वारा, हाथ द्वारा साइंटिफिक नेम लिखने की क्रिया में, हाथ के द्वारा साइंटिफिक नेम लिखने के द्वारा या लिखने के समय जेनेरिक नेम तथा स्पेसिफिक नेम को, जेनेरिक नेम तथा स्पेसिफिक नेम को, जेनेरिक नेम तथा स्पेसिफिक नेम को अलग अलग भागों में अंडरलाइन करते हैं या रेखांकित करते हैं, अलग अलग भागों में रेखांकित या अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग भागों में रेखांकित या अंडरलाइन करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग भागों में रेखांकित या अंडरलाइन करते हैं, परंतु प्रिंट करते समय या किताबों में यह इटैलिक स्वभाव के होते हैं, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ, हो गया बेटा, हाँ बेटा, जब हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन होना चाहिए अलग अलग, कुछ लोग बच्चे एक ही के साथ मिला देते, नहीं अलग अलग करते हैं, ठीक है बेटा, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो उसको हम लोग इटैलिक में करते हैं। ज्यादातर हाथ वाला क्या होता है,
जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे ना, थोड़ा सा की एक हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को प्रैक्टिकल के लेके, जब तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम करते हो ना, तो प्रैक्टिकल में ये साइंटिफिक नेम लिखने होते हैं, फाइल बनाना होता है, तो उसमें क्या होता है, जो टीचर होता है यही चेक करता है कि तुमने किया है कि नहीं किया है। अगर तुमने अंडरलाइन किया तो वो सही मानता है, यदि तुमने अंडरलाइन नहीं किया तो मतलब वो गलत मानता है। क्लियर हुआ? तो वहां पे इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? हाँ या ना? क्लियर हो गया भैया? यस सर, बहुत अच्छा। मधु का हो गया, बाकी लो फटाफट कर लो। हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो हो गया बेटा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद एक छोटा सा 2018 या हाँ 2019 में एक क्वेश्चन था, नेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि किस प्रकार का नॉमनक्लेचर, किस प्रकार के नॉमनक्लेचर को लीनियस ने प्रतिपादित किया था। चार साइंटिफिक नेम दे दिया गया था और आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा नॉमनक्लेचर लीनियस ने प्रपोज किया था या लीनियस ने बताया था। क्लियर हुआ? अब उस इस टॉपिक में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, हम लोग ज्यादातर जो हम लोग कॉमनली जो हम लोग लिखते हैं या जो पढ़ते हैं वो सब बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है, और हमको पता है कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर को किसने प्रपोज किया था, सी लिनियस या कैरोलस लिनियस ने। क्लियर है बेटा? तो सिंपल सा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस साइंटिस्ट ने उस नामकरण के पद्धति को प्रतिपादित किया था, माइंड में रखिएगा जो बोल रहा हूं, जिस साइंटिस्ट ने उस नामकरण के सिद्धांत को या पद्धति को प्रतिपादित किया था उसका नाम, माइंड में रखिएगा, उसका नाम साइंटिफिक नेम के बगल में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका नाम साइंटिफिक नेम के बगल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और जो लिखने का तरीका होता है ना तो वो अंडरलाइन होगा और ना ही वो इटैलिक होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ना, एक पॉइंट लिख लेना। नामकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, नामकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, नामकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक नाम के अंत में, नामकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम के अंत में, वैज्ञानिक नाम के अंत में सरल भाषा के द्वारा लिखा जाता है, 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 सरल भाषा के द्वारा लिखा जाता है। हो गया बेटा? एग्जाम्पल में वही अपना मैंगो, तो हमने बता दिया था कि जब हम लोग साइंटिफिक नेम को साइंटिस्ट की बात करते हैं तो मैंगी फेरा इंडिका हमारा कॉमन नेम है, सॉरी हम वही गलती कर रहे हैं जो आपको सिखा रहे थे, ठीक है? जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम लिखते समय क्या करते हैं, नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक नेम लिख लिया, अब इस साइंटिफिक नेम के किनारे बगल में हम उस साइंटिस्ट का नाम छोटे फॉर्म में, जैसे सी लिनियस है तो लीनियस के लिए LIN का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? और ना तो उस नाम को हम लोग अंडरलाइन करते हैं और ना ही उसको हम लोग इटैलिक करते हैं,
लिखते किस फॉर्म में है? नॉर्मल सिंपल अल्फाबेट में। क्लियर हो बेटा? तो जैसे मान लो तुम लोग का क्वेश्चन पूछा गया कि इस नाम के इस प्रकार के साइंटिफिक नेम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो तुमको कुछ नहीं ढूंढना रहेगा, तुमको ढूंढना रहेगा लास्ट में LIN लिखा है तो लीनियस होगा। क्लियर बेटा? कोई और है तो उसका नाम होगा। क्लियर हो बेटा? कोई दिक्कत? हाँ या ना भूल भाई? हाँ या ना? चलो बहुत अच्छा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको पढ़ने थे। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीकरण के अवयव या भाग। ठीक है बेटा? तो अवयव भाग की बातचीत करते समय एक छोटा सा इमेज आएगा, फिर अच्छी अच्छी बातें आएंगी, सब उसी में कंक्लूड है। क्लियर हो बेटा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग में कर दो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण के अवयव या भाग। वर्गीकरण के अवयव या भाग। क्लियर हो बेटा? चल बहुत अच्छा। अच्छा लगा आप लोगों को आज पढ़ा के? ठीक, ऐसे ऐसे रिप्लाई देते रहिए तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब रिप्लाई नहीं आता तो मन खट्टा हो जाता है। बहुत अच्छा। तो वर्गीकरण के भाग की बातचीत हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा, आज हम लोग इतना कवर करते हैं। ठीक है? और कल मिलते हैं, और कल नई ऊर्जा के साथ नया टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते करते पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए नहीं तो कल मिलते हैं। बाय बेटा, गुड डे। हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी हैं जैसे हैं अपने कलम कॉपी के साथ यहाँ आ जाएं। हम लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा शुरू कर लेते हैं। मैथ वाले जितने हैं सब लोग भाई जहाँ भी जैसे हैं वहाँ जुड़ें, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है? और तब तक कुछ व्यवस्था बना ली जाए। चलो बच्चों, आज हम लोग इसी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो लास्ट में उस दिन क्या पढ़ाए थे आप लोग याद दिलाइए, आगे बढ़ें। देखिए आप लोग याद हो है कि नहीं कुछ, नहीं तो हम ही याद दिला दें आप लोगों को। चलिए कुछ प्रूव कर रहे थे, याद करिए क्या सिद्ध कर रहे थे। सिद्ध
सिद्ध करने वाली चीज थोड़ा याद दिलाइए। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। दर्पण, निधि, मधु, सक्षम, रोहित, मनोज आदि लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस इंतजार समाप्त होता है। और मैंने आपको उस दिन सिद्ध करवाया था कि सबसे पहले एक नियम मैंने जो आपको बताया था, वो नियम ये था। पहला नियम वर्गसम मैंने प्रूव करा दिया, वर्गसम नियम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा नियम है आपका क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय भी सिद्ध करवा दिए। तीसरा मैंने प्रूव करवाया था आपको साहचर नियम, साहचर नियम, ठीक है, साहचर भी प्रूव करवा दिया। जब साहचर प्रूव हो गया तो इसके बाद बच्चों और कौन सा नियम है, इसके बाद चौथे नंबर में है तत्समक नियम, तत्समक नियम। तत्समक नियम की अगर बात करें बच्चों, तो तत्समक नियम कैसे सिद्ध करेंगे इस पर हमें चर्चा करनी है। क्रम विनिमेय नहीं, साहचर भी सिद्ध करवा दिए स्वीटी, याद करिए। नहीं हुआ तो मैं साहचर बता देता हूँ। वैसे मैं क्रम विनिमेय मुझे याद है कि मैं साहचर भी बता दिया था। चलो मैं साहचर की चर्चा आप लोगों से कर ही लेता हूँ। तो साहचर नियम क्या है बच्चों, साहचर नियम में ये था कि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लिया जाए तो यह ए यूनियन बी यूनियन सी देगा। और इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम सबसे पहले, इसमें हम सभी लोग सबसे पहले कोई भी एलिमेंट मान लेंगे। माना कि यक्स बिलोंग्स टू इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, ठीक है। और जब इसे हम तोड़ते हैं तो क्या देगा, इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, इसको एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे, या यक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी लेंगे। जब ये बातें बन गई तो हम इसे और भी तोड़ सकते हैं। मैंने सब तर्क समझाया हुआ है आपको, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। और थोड़ा आप भी स्पीड बढ़ाइए और हम भी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा तर्क पर बात नहीं करनी, तर्क आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। बस तरीका देखिए कैसे कैसे काम करेंगे। बी आप पहले ऐसे तोड़ लेंगे, इस कोष्टक वाले को इस कोष्टक में रखेंगे, जब इस कोष्टक को फिर इसके साथ एडजस्ट करेंगे, पहला और दूसरा इसके साथ लेकर कोष्टक लगा देंगे, सी को अलग कर देंगे, सी को अलग कर देंगे तो यक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम बात करें इसको, तो ये यूनियन की परिभाषा है, इसे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं या यक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। जब इसे लिख देंगे तो इसमें फिर यूनियन की परिभाषा लगाएंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एक साथ, और इसमें यूनियन लगाकर सी लिख देंगे। मैंने एक तरीका बताया था कि एक बार आप बायां पक्ष लेकर चलिए फिर दायां लाइए, और मैंने एक दूसरा बताया था कि दायां पक्ष लेकर चलिए बायां ला दीजिए। तो अभी एक तरीका और होता है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ मेथड, यदि और केवल यदि अगर इसके दोनों पक्षों में एरो लगा दिए जाए, ठीक है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में यह प्रूव हो जाएगा। और इसके बाद बस लास्ट में लिख दीजिए, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए, और ये एक तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। चलो साहचर लिख दिए, कोई बात नहीं। चलिए साहचर हो गया, आप लोग लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
और थोड़ा तेज जुड़िए, बहुत लोग गायब दिख रहे हैं अभी। इसे नोट करके आप जल्दी अपना जवाब दीजिए, फिर आपको मैं आज तत्समक नियम पढ़ाऊं। चलो बच्चों, इसके बाद आता है तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या है? इसमें मैंने दो नियम पढ़ाया था आपको। पहला नियम यह था कि अगर ए का यूनियन फाई के साथ लेते हैं तो यह ए आता है। दूसरा नियम यह है बच्चों कि अगर ए का यूनियन U के साथ, यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय के साथ लेते हैं तो U आता है। अगर इन दोनों को एक एक करके, अगर इन दोनों को एक एक करके वेन डायग्राम से समझा जाए तो कैसे समझेंगे? देखो, एक समुच्चय हमारा A है, A वाले के लिए बता रहे हैं, और इसका फाई मतलब एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले तो क्या आएगा? वही A आएगा। तो ये हमारा A था तो A ही देगा। ए यूनियन फाई जो होगा वो ए ही देगा, क्योंकि ए जो है एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता। ए कह रहा है फाई, फाई एक रिक्त समुच्चय है, फाई में कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए एक साथ मिलाने पर वो ए ही देगा। लेकिन इसके लिए अगर बच्चों बात की जाए, वेन डायग्राम से देख रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट यू हो गया और यू में ए हो गया। यू का ए के साथ यूनियन लेना है। जब U का A के साथ यूनियन लेते हैं बच्चों, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें वही कॉन्सेप्ट समझिए जो आप थोड़ा दिन पहले ये मैंने सबसेट में पढ़ाया था कि A का सारा अवयव U के अंदर है और U का A के साथ यूनियन है। तो परिभाषा ये कहती है जब यूनियन आप लेंगे तो इसके सारे अवयवों को लेना पड़ेगा और इस यूनियन में आपको क्या मिलेगा? सारा एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब कि ए यूनियन यू बराबर क्या आएगा? यू ही आएगा। तो इसे आप वेन डायग्राम से समझ गए। लेकिन अगर आप इसे सिद्ध करने की बात सोचें तो सिद्ध कैसे की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, आप तैयार रहिए। तो बच्चे, पहला मैं सिद्ध कर रहा हूं, पहला सिद्ध करने जा रहा हूं कि ए यूनियन फाई क्या है? ए के बराबर है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? मान लीजिए, माना कि कोई अवयव यक्स है जो ए यूनियन फाई को बिलोंग करेगा, ठीक है, और यह इंप्लाई करेगा कि यक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन मतलब या होता है, यक्स फाई को बिलोंग करेगा। देखिए, हमने या में लिख तो दिया फाई को बिलोंग करेगा, लेकिन आपको पहले से पता है कि फाई एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। इसका मतलब जो हमने ये लिखा है यह स्टेटमेंट सही नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। जो गलत होता है वहीं से छोड़ दीजिए, है ना। यक्स बिलोंग्स टू ए केवल बचा, और हमने क्या किया कि कोई एलिमेंट इस समुच्चय में लेकर चले थे, वह इस समुच्चय में दोबारा मिल गया। जब कोई अवयव एक समुच्चय से, कोई अवयव किसी एक समुच्चय में हो और वही अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहा हो तो पहला दूसरे का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय की परिभाषा है। इसलिए आप लिखेंगे ए यूनियन फाई बराबर क्या, लिख फाई क्या होगा? सबसेट होगा ए का। इसे नंबर वन डालिए। इसके बाद एक बात हम लोग और जानते हैं, लिख दीजिए यहां, हम जानते हैं, यह ऐसे ही लिखना पड़ता बच्चों तभी नंबर मिलेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर दो समुच्चयों का यूनियन लिया जाए, यहां से देखिए मैं आपको ये समझाता हूं, ए यूनियन, बार बार मैं इसे समझाया हूं,
अगर ए यूनियन बी लिखा गया तो इसमें ए भी होगा, इसमें बी भी होगा। इसका मतलब ए का सारा अवयव ए यूनियन बी में है, ए का सारा अवयव ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। बी का भी सारा अवयव ए यूनियन बी में होगा, तो इसका मतलब बी भी क्या होगा। यह एक तर्क है, इस तर्क को ऐसे देना पड़ता है। ए यूनियन बी में बी भी है, मतलब बी का सारा अवयव ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो ये बात आप जब समझते हैं तो ऐसे ही काम करेंगे। यहां समझिए ए यूनियन बी बराबर ए है, तो ए भी सबसेट होगा इसका और बी भी सबसेट होगा। ये स्वयं सिद्ध होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, हम जानते हैं है ना कि ए जो होगा सबसेट होगा ए यूनियन बी। बी के स्थान पर फाई है, फाई है तो इसे कोई मतलब नहीं, यूनियन होना चाहिए, यूनियन है तो आप फाई भी इसका सबसेट होगा, ए भी सबसेट होगा। इसे नंबर डाल देंगे दो, इसे दो नंबर कहेंगे। ये आप अलग से जानते रहिए ना, ये आपको जानने के लिए। जब ऐसा हो गया तो आप लिखेंगे एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक दो से क्या मिल रहा है, बायां पक्ष दाहिने का सबसेट है और दाहिना बाएं का सबसेट है। यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों बराबर होंगे। अतः लिखेंगे, अतः ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा, ए होगा। इसे आप नोट कर लें और पूरा कंप्लीट तर्क इसमें लिखा गया है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, 100% सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्वीटी साक्षी, आपका जवाब सही है। स्वीटी गुप्ता करें कि तो सर क्यों लिखेंगे, आप थोड़ा सा लॉजिकल है ना, कोई चीजें ऐसे छोड़ क्यों देंगे। सबसे पहले बात यह है ना कि अगर आपसे बात करें कि हम इसे क्यों छोड़ देंगे तो ये भी तो नहीं समझ में आता है। इसलिए पहले आप काम करते जाइए, फिर अपनी आवश्यकता भी होती कभी कभी। जैसे आपको, आप बाजार में जाएं, बाजार में तमाम तरह की चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, लेकिन आपका मकसद है आपको क्या खरीदना है, आपको जो खरीदना है सिर्फ मार्केट में आपको वही दिखाई पड़ेगा। आप यह नहीं दिख रहा था, आप वही खोजेंगे, ठीक है, जबकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही अपना कभी कभी ये गणित ऐसे मार्केट की तरह होता है ना, तो इसे दिमाग रखना पड़ता है और बहुत ही झोलझाल होता है। फाई योग का तत्समक है, फाई योग नहीं होता बच्चों, समुच्चय में योग नहीं होता। योग के लिए ही हम लोग लगभग लगभग इसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का, ठीक है। माइनस का तो आप देख ही रहे हैं, माइनस भी मैंने बता दिया। गुणा का भी प्रयोग होता है, गुणा अलग होता है, पर इंटरसेक्शन में कॉमन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, कुछ लोगों की डिमांड है कि अगर आपने इतना देखा है कि मैं एक बार यहाँ नोट समझाता हूँ, नोट को ध्यान से देखिएगा तब जा करके आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये कैसे आखिर हो रहा है, नहीं तो दिक्कत आपको होने लगेगी। बच्चों जिसको जिसको कम समझ में आया है एक बार फिर से देखेंगे। मान लीजिए एक समुच्चय यक्ष है, वह समुच्चय वाई के बराबर है। मैंने बार बार यही एग्जाम्पल दिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार यक्स वाई का ही एग्जाम्पल देता हूँ। अगर दो समुच्चय आपस में बराबर है, दो समुच्चय मतलब बायां और दाहिना पक्ष अगर आपस में बराबर है, तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, बायां और दायां अगर बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि यह तभी संभव होगा जब बायां दाएं का सबसेट हो और मतलब दबाव के साथ और दूसरा भी होना चाहिए, और दूसरा मतलब दाहिना पक्ष बाएं का सबसेट होना चाहिए। यदि लेफ्ट साइड राइट का सबसेट हो और राइट साइड लेफ्ट का सबसेट हो तो ये तभी संभव होगा जब बराबर होगा। अगर आप किसी कीमत से ये दोनों सिद्ध करके ला दिए तो ये दोनों जब भी आपको मिल जाए तो आप तुरंत कह देंगे कि ये कभी तभी होगा जब ये बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने यही काम करने की कोशिश की। मैंने बायां पक्ष लिया, इसके बाद ये लिखा, इस तर्क में मैंने इसे गायब किया, इसको लिखा, तो कोई एलिमेंट हम इसमें लेकर चले वही एलिमेंट इसमें आ गया। अब फिर एक चीज आपको यहाँ एलिमेंट वाली बात फंसेगी। मान लेते हैं कोई एलिमेंट आपने ए लिया और वह समुच्चय यक्स में है, और वही एलिमेंट ए समुच्चय वाई में मिल जाए तो यही सबसेट की परिभाषा होती है ना। इसका मतलब यह होता है कि यक्स सबसेट होगा वाई का। सबसेट की परिभाषा एक बार फिर से देखिए,
यदि कोई अवयव किसी सेट में लेकर चलिए, वही अवयव मतलब ए दोबारा दूसरे सेट में मिल जाता है, तो पहला सेट दूसरे सेट का, पहला सेट मतलब पहला सेट हमारा जो है वो यक्ष जो है वाई का सबसेट होगा, समझा ना। तो इसीलिए हमने यक्ष को वाई का सबसेट बता दिया। तो बच्चों अब इसमें हमने क्या किया, फिर से देखिए, कोई एलिमेंट इसमें लिया और वही एलिमेंट हमने इसमें लाकर दिखा दिया। जब इसमें कोई एलिमेंट एक सेट में लेने के बाद दूसरा दूसरे सेट में वही एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा, पहला सेट दूसरे का सबसेट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और हमने बताया कि ये तर्क विधि ये कहती कि आप ऐसा लिख देंगे, ये स्वयं सिद्ध है, इसे आपको याद करना है, समझना है, नोट करना है, जैसे कहिए। मैंने बताया कि ए यूनियन बी अगर लिखा गया तो इसका दोनों पोर्शन ए और बी पूरे का सबसेट होगा, ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इसी तर्क के अनुसार अगर बी को फाई कर दें तो ए सबसेट ए यूनियन फाई हो जाएगा, तो ए सबसेट ए यूनियन फाई आपने ये लिख दिया। एक और दो को देखा जाए तो बायां दाहिने का और दायां बाहिन दाहिना जो है बाएं का इस तरह से सबसेट है, लेफ्ट राइट का, राइट लेफ्ट का सबसेट हो गया, तो हमने लिख दिया एक दो से क्या होता है, ये बराबर की परिभाषा है ना। या अगर आपको एक दो ना समझ में आता आप लिखेंगे बराबर की परिभाषा से, बराबर की परिभाषा से, बराबर की परिभाषा क्या कहती है कि अगर ए बी का बी ए का सबसेट ए बराबर बी माना जाएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट से लिख दिया। बच्चों आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक दो का योग नहीं किया जाता है, साक्षी आप कह रहे हैं कि एक या दो के योग का सर तत्समक, इसमें योग नहीं लेना है बच्चों, योग नहीं होता, प्लस नहीं किया जाता है, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशन यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उसी पर हमें काम करना होगा। योग नहीं होता, समुच्चय में प्लस वाला चिन्ह नहीं लगा, जैसे दो समुच्चय ए और बी ले लिए, इनके बीच में प्लस लगाना एक गलत तरीका होता है ना। यहाँ प्लस लिखने की जब भी बात आएगी तो इसे हम यूनियन वाले चिन्ह से व्यक्त करेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, जितना मैंने समझा आप नोट करके आगे बढ़िए, हम तुम आप आगे आपको लेकर चले। नोट तो कर ही लिए होंगे पहले से, ठीक है। चलो इसके बाद तत्समक में दूसरा बचा हुआ है बच्चों, तत्समक में दूसरा नियम है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर लिखा गया तो यह एक यूनिवर्सल सेट आता। मैंने वेन डायग्राम से भी इसे समझाने की कोशिश की थी आपको, शायद आप समझ पाए हों। वाई भी तो ए का सबसेट हो सकता है सर, जब दो समुच्चय बराबर हों, ठीक है, एकदम बेसिक चीज, जब दो समुच्चय बराबर हों तो उसमें दो पक्ष होंगे, बराबर चिन्ह के अगल बगल दो चीजें लगाई, जैसे बराबर के बगल एक पक्ष यहाँ होगा, एक पक्ष यहाँ होगा, जब ये दो बराबर हैं तो इसका सबसेट यह होगा और इसका सबसेट ये होगा। मान लेते हैं कि यह यक्स है यह वाई है, तो यक्स वाई का सबसेट होगा और वाई यक्स का सबसेट होगा, इतनी बात होनी चाहिए, मोटी मोटा समझिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों ना। हमें लगता है कि कहीं आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, बहुत बिना कन्फ्यूज हुए इतना समझिए कि बराबर में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर होता है, एक को बायां पक्ष कहते हैं एक को दायां पक्ष कहते हैं, बायां दाहिने का दाहिना बाएं का अगर सबसेट हो तो उसे हम बराबर समुच्चय कहेंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना हमें पता है बच्चों कि हम सबसे पहले कोई भी एलिमेंट लेकर चलेंगे, मान लेते हैं इसे बराबर दिखाना है, कोई एलिमेंट आपने लिया ए यूनियन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर गया, ठीक है। अब इसे तोड़ेंगे यूनियन की परिभाषा से, ए को बिलोंग करेगा या एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। अब देखो मैं एक ऐसे तर्क लगाऊंगा, इस तर्क को ध्यान रखना है, जब हमें पहले से बता दिया गया कि हम ब्रह्मांड में रहते हैं तो हमें बनारस या भारत बताने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। कि जब हमें ये बता दिया गया है कि हम ब्रह्मांड में रहते हैं तो हमारा बहुत बड़ा परिचय और देने की जरूरत
नहीं है कि हम बनारस में रहते हैं, बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आपका संबंध ईश्वर से बन जाए तो किसी और से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज है, जब आपका संबंध ईश्वर से बना हुआ है तो और किसी जीव जंतु से संबंध बनाने की जरूरत नहीं, उन्हें छोड़िए। तो ये छोड़ दिया जाएगा, इसमें हम केवल एक लेकर चलेंगे, यह तर्क कहता है। तो एक, हर एक अवयव समष्टि समुच्चय के अंदर है। जब यक्ष की बात हम यहां कर रहे हैं, ए में है और वही यू में है, तो ये कहकर यू की बेइज्जती मत कीजिए, इसे हटाइए, सारा का सारा यू का ही अवयव लेंगे आप। और हमने बताया कि कोई एलिमेंट इसमें लें और वही एलिमेंट अगले सेट मिल जाए, तो इसका मतलब कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, ये सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का, इसे नंबर वन मानेंगे। बात पूरी नहीं हुई बच्चों, इसमें भी लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यूनियन में ए हो, ए भी सबसेट होगा ए यूनियन फाइव यूनिवर्सल सेट का, और यूनिवर्सल सेट भी होगा सबसेट ए यूनियन यू का। हमें चाहिए यू के बराबर दिखाना है, तो यू वाले के ले लीजिए, इसको दो नंबर मान लीजिए। हम जानते हैं पहला भी पूरे का सबसेट होगा, दूसरा भी पूरे का सबसेट होगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं समझने के लिए लिख दिया। तो यू वाले की जरूरत हमें, हम यू वाले ले लेंगे। तो यहां भी लिख दीजिए एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक दो से क्या मिल रहा है ना, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। इसे नोट करिए आप, इसे नोट कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं बच्चों, एकदम समझने की बात है ना। बार बार तर्क लगाओ है ना, अपने आप से सोचने की कोशिश करिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। इसे झटपट नोट करें, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे आगे या दूसरी चर्चा करने वाला हूं। हेलो, हाँ बच्चों ठीक, अच्छा समझ में आया ना, ये समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार बढ़िया है, ठीक समझ में आ गया तो एक बार यस सर बोल दीजिए, कोई एक लोग यस सर बोल दीजिए तब भी चल जाएगा, बहुत लोग बोलने की जरूरत नहीं है ना। मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से हट गया। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एक चीज नोट में इसमें जानेंगे, नोट में ये जानेंगे कि जब भी समुच्चय की बात करेंगे है ना, जब भी समुच्चय की बात करें, और मान लेते हैं कि एक समुच्चय ऐसे लिखने का एक तरीका होता है समुच्चयों को, ए थ्री ऐसे, ए फोर, अगर ऐसे बहुत सारे समुच्चयों का यूनियन ले लिया जाए, एक दो तीन नहीं, बहुत सारे समुच्चयों का यूनियन ले लिए, मान लेते यन समुच्चयों का यूनियन ले लिया गया, इस यन समुच्चय की यूनियन को एक लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसे भी आपको जानना चाहिए। जैसे सिग्मा वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे ही हम लोग इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, यूनियन आप इसको एक साथ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन, इतना बड़ा नहीं कोई पढ़ेगा कि ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फोर यूनियन, ऐसे इतना कौन पढ़े, इसको ऐसे ना पकड़ के आप पढ़ेंगे
कि यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स A1, A2, A3, A4, An, और इसी चीज को जो हम लोग बोलते हैं इसे हम लिखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स A1, A2, A3, कौन बार बार लिखे लिखेंगे AI, आई क्या होगा, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इसे बोलेंगे यूनियन i = 1 to n AI, क्या बोलेंगे यूनियन फ्रॉम i = 1 to n AI, कैसे पढ़ेंगे, अगर इसे पढ़ना हो तो इसे पढ़ेंगे यूनियन फ्रॉम i = 1 to n AI, ठीक है, इसे अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे ही से पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे यार कैंसिल वैंसिल चक्कर मत पड़िए, जो होगा वो होगा ही होगा, कहाँ है आप उसका टेंशन ले रहे हैं CHS होगा कि नहीं होगा, आप पहले पढ़ तो लीजिए, पहले पढ़ाई करिए, कहीं भी एडमिशन लेकर पढ़िए, कहाँ CHS चक्कर पड़े हुए हैं फालतू जगह, मेहनत पढ़िए। अब इसको आप इस तरीके से जानते रहिए, ठीक है। अब मैं आपको आज बताऊंगा, एक सवाल भी लिखा जाए, एक सवाल लिख करके फिर मैं आज आपको इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक सवाल ये है कि यदि सब लोग लिख कर दिखाइए, यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 3, 4, 5, 6 तथा c बराबर 1, 2, 4, 6, 8 है तो दिखाओ कि, है तो दिखाओ कि, दिखाओ कि क्या दिखाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे आपको दिखाना है कि ए में 1, 2, 3, 4 है, बी में 3, 4, 5 है, सी में 2, 4, 6, 8 है, तो आपको यह सिद्ध करके लाना है। सवाल एग्जामिनेशन में ऐसे भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जब इसे हम सिद्ध कराएंगे तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालिए, तो बी और सी का यूनियन 3, 4, 5 यूनियन 2, 4, 6, 8। जब इसका यूनियन आपने ले लिया तो आपको मिला कि 2, 3, 4, 5, 6, 8 सभी अवयवों को एक साथ मिलाएंगे, लेकिन जो दो बार है उन्हें एक बार लिखा जाएगा, मैंने क्रम से लिख दिया, बी यूनियन सी आ गया। तो बायां पक्ष ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी। बाएं पक्ष में क्या निकालना था, बी यूनियन सी एक साथ है, तीनों एक साथ लिख दी, ए में क्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ए हो गया यूनियन में, 2, 3, 4, 5, 6, 8 अब पूरा मिलाने पर क्या आएगा, पूरा मिला देंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 मिल गया, ये हमारा बाया पक्ष आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब हम दाएं पक्ष की बात करेंगे, दाएं पक्ष में हमें ए यूनियन बी निकालना होगा, ए यूनियन बी पहले निकालना होगा, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए हमारा है 1, 2, 3, 4 और बी क्या है 3, 4, 5, 3, 4, 5 इसे मिलाने पर क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 पूरा मिला दीजिए, और हमें बायां पक्ष दाहिना पक्ष निकालना होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी क्या है बच्चों 1, 2 ए यूनियन बी अभी निकाला मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और यूनियन सी क्या है, सी है बच्चों हम लोगों का 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8
दो चार छः आठ सबको पूरे अवयवों के एक साथ मिला दीजिए, लेकिन जो दो बार उन्हें एक बार लिख दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ आठ। इस तरह से एक निष्कर्ष निकला बच्चों कि बाएं पक्ष में एक दो तीन चार पाँच छ आठ हैं, इसमें भी एक दो तीन चार पाँच छ आठ हैं, तो क्या मिला, अतः लिख देंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः अतः लिख देंगे अब इसके बाद कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, इसे नोट कर लीजिए, नोट करके जल्दी ये सर बोलिए तो मैं आपको आज इंटरसेक्शन शुरुआत कर दूंगा, इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, लिख करके यस सर बोलिए झटपट, इसे नोट करिए, नोट करके यस सर बोलिए। हाँ बच्चों, हाँ इंटरसेक्शन बस पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ा, आप केवल लिखते रहिए बने रहिए। आवाज लिखिए बच्चों, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, आज का नया टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहले दो समुच्चयों का देखा जाए, फिर उसके बाद बहुत सारे समुच्चयों को बताएंगे। सर्वनिष्ठ, ऐसे लिखिए इसे, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का, दो समुच्चयों का। बच्चों इस पर ना जो अभी पीछे बताया हूं, सर्वनिष्ठ मतलब जानते क्या होता है, सर्वनिष्ठ को अभी कहिए आप उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जैसा समझिए आप ना, सर्वनिष्ठ को उभयनिष्ठ जैसा समझ लीजिए आप, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जानते हैं ना, जब दो होगा तो उभयनिष्ठ और दो से ज्यादा होगा सर्वनिष्ठ कहेंगे, जब दो से ज्यादा होंगे सर्वनिष्ठ कहेंगे और दो से दो ही होंगे तो उभयनिष्ठ कहेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने जो यूनियन पर आपको जितनी बातें बताई हैं, यूनियन पर जितना मैंने आज आपको सिखाया है, उतना सारा सवाल आप किताब में करिए। अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, मैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप डिफरेंस यूनियन और आज इंटरसेक्शन चर्चा कर रहा हूँ, तीनों मिला करके साथ साथ पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सवाल बढ़ाते रहिए, जो जैसे जैसे सवाल उन्हें करते जाइए ना, फिर मैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उभयनिष्ठ क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, सर्वनिष्ठ मतलब यह होता है कि कॉमन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, कॉमन ज्यादा समझ में आता है, भले उभयनिष्ठ कम समझ में आए, और कॉमन का मतलब यह होता है या उभयनिष्ठ का मतलब यह होता है जो ऐसी ऐसे मेंबर ऐसे सदस्य जो दोनों में हों,
ऐसे मान लेते हैं कि एक दादाजी हैं, अपनी फैमिली की बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, दादाजी हैं और दादाजी के दो लड़के हैं, राम बहादुर विजय बहादुर, ठीक है। एक बूढ़े जी हैं, उनके दो बच्चे राम बहादुर विजय बहादुर हैं। अब बच्चों देखना है कि राम बहादुर विजय बहादुर में अंतर क्या है। इनके जितने बच्चे होंगे सबके दादाजी यही होंगे, इनके भी जितने बच्चे होंगे दादाजी यही होंगे। तो दादाजी क्या है, कॉमन फैमिली है कि नहीं। भले राम बहादुर विजय बहादुर कॉमन फैमिली नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बच्चों के भी दादाजी यही होंगे, इनके बच्चों के नहीं। कि इनके बच्चों के दादाजी कोई और होगा, इनके दादाजी कोई और होंगे, तब तो ये दोनों भाई ही नहीं होंगे, बात खत्म हो गई, है ना। तो ये बात हमें ऐसे बेसिकली समझना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे समुच्चय में भी होगा, ऐसे ही हमारे समुच्चय में होगा कि अगर हम मान लें, माना ए तथा बी, मेरे साथ लिखते रहिए, तो दो समुच्चय हैं, केवल दो समुच्चय को मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तो दो समुच्चयों को हम यहां बना लेते हैं ऐसे, एक समुच्चय, एक समुच्चय बी, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव आपको यहां चित्र में दिखाई दे रहा है, जो मैंने क्षैतिज रेखाएं खींच दी हैं, इन्हीं को हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? यही पोर्शन ऐसा होता है जिसे आप उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों में है, या इसे सर्वनिष्ठ कहेंगे। और ये पोर्शन में अवयव होंगे, एक दो चार पांच दस बीस जितना हो या नहीं भी हो सकते हैं, उन्हें हम उभयनिष्ठ अवयव कहेंगे। तो बच्चों क्या कहेंगे? दो समुच्चय हमने मान लिए, फिर उसके बाद हमने यहां कॉन्सेप्ट समझा दिए, दो समुच्चयों का जो उभयनिष्ठ अवयव होगा उन्हीं को हम कहेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों, दोनों इस लिखते रहिए, दोनों समुच्चयों, दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अगर दो से ज्यादा है तो उसे सर्वनिष्ठ भी कह सकते, सर्वनिष्ठ दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को, के समुच्चय को सर्वनिष्ठ कहते हैं। को ए तथा बी का, बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं। इसे जब सर्वनिष्ठ कहते हैं तो क्या होगा? इसे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे नीचे कैप लगाएंगे, टोपी की तरह ऐसे उल्टा कर देंगे, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसके पढ़ने की रीति अलग अलग है, यूनियन और इंटरसेक्शन में अंतर है। अगर आपको इसे पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे? लिखने के लिए लिख दिया गया, इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या ए सर्वनिष्ठ बी हिंदी में, ए सर्वनिष्ठ हिंदी में कहाँ पढ़ेंगे? अंग्रेजी में पढ़ने मजा आता है, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या इसे ए कैप, इसे ए कैप बी भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? ए कैप बी भी पढ़ सकते हैं। बच्चों सामान्य शब्दों में आपको पता होता है कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कटान, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कटान, इसे कटान भी कहते हैं, इसे प्रतिच्छेद भी कहते हैं, प्रतिच्छेद। तो ये आपको पता है कि ये प्रतिच्छेद है,
दो समुच्चय एक दूसरे काट रहे हैं, देखिए कटान एक दूसरे को काट भी रहे हैं। तो इसे अगर आप और भी पढ़ने की व्यवस्था समझें अपने दिमाग से, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं, क्या ए कटान बी, या इसे ए प्रतिच्छेद बी भी पढ़ सकते हैं, ए प्रतिच्छेद बी। बहुत आसान होता है पढ़ने के, बहुत सारे मेथड आपके पास हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए कैप बी, ए कटान बी, ए प्रतिच्छेद बी। तो ज्यादातर ये पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ज्यादा, सर्वनिष्ठ वगैरह कम पढ़ते हैं। तो आप इतना समझिए, ठीक है, इतना जानिए। इसकी गणितीय परिभाषा लिख सकते हैं, दैट इज मतलब अर्थात, जो है कि हम लोग अंग्रेजी में दैट इज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दैट इज का आई डॉट ई डॉट लिखते हैं, इसे दैट इज पढ़ते हैं। इसे सामान्य भाषाओं में हम लोग अगर ट्रांसलेट करके लिखें तो इसे जो है कि या अर्थात पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां ए इंटरसेक्शन बी की एक परिभाषा बनाने जा रहे हैं, यह उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है, ध्यान से देखिए, जो ए में होगा और वही एलिमेंट बी में भी होगा। देखो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा, दोनों का हो, पहले का भी हो और दूसरे का भी हो। तो इसका मतलब बच्चों जो मैंने यहां समझाया, आपको समझाने की कोशिश की कि उभयनिष्ठ का अगर कोई भी अवयव लेते हैं तो ये देखिए, ये भाग ए वाले में भी है और यह बी वाले में भी है। अगर इसे यक्ष मान लिया जाए तो यह यक्ष बी में भी, बी वाले हिस्से में भी दिखाई दे रहा, ए वाले हिस्से में भी दिखाई दे रहा। इसका मतलब यह होता है कि यहां और लगाना अनिवार्य है, तभी दोनों जुड़ पाएंगे। दोनों जुड़, ये जोड़ है, समझिए आप, ऐसे जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, और इसमें उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। इसकी गणितीय परिभाषा आज से हमेशा के लिए जानते रहिए, ए और बी लिखेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इतना दिमाग में रखिए, कल मैं इस पर एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टीज प्रूव करा दूंगा, डन है, पक्की बात है ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग जुड़े, मेहनत पढ़ें, थोड़ा डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लिखिए पढ़िए ना, सिद्ध करने वाला काम ज़्यादा करिए घर पे बैठ के, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।